सभी को नमस्कार। और जय माता जी की। गुर्जर विवाद पर चल रही हमारी सीरीज का ये सातवां भाग है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। पहले तो मैं आज कुछ लोगों को बार बार दर्द उठता है वीडियो देखकर, मैं उनकी एक आपत्ति का निवारण कर दूं। कपल ऑफ पीपल आर रिपीटेडली सेइंग कि ये होता है ना, रिसाइकल होके बार बार एक क्लेम रिपीट होता रहता है। सो एवरीबडी कॉपी पेस्ट एंड द सेम आर्ग्यूमेंट कीप्स ऑन गोइंग। कहा यह जाता है कि राजपूताना नाम राजपूतों पर पड़ा, आर्यावर्त नाम आर्यों पर पड़ा, तो गुर्जर देश नाम भी तो गुर्जरों पर पड़ना चाहिए। देखिए, एक तो आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, ये समस्या है, क्योंकि मैं इन सब बातों के उत्तर पिछले एपिसोड्स में ही दे चुका हूँ कि जनजाति से स्थान को नाम और स्थान से उसके सभी निवासियों को नाम, इतिहास में दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। दैट इज अ फैक्ट। पर गुर्जर दोनों में से कौन सा केस है, ये देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक एक केस जो होता है, जहां जहां पर ऐतिहासिक स्रोतों में गुर्जर शब्द आया है, उसका संदर्भ समझिए। मैं पिछले कई एपिसोड से एक एक केस उठाकर वही समझा रहा हूं, वो देखे बिना स्पष्ट नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि पुराने ग्रंथकारों ने जिस समय ये सभी राज्य, राजवंश और ये गुर्जर देश जैसे शब्द प्रचलन में थे, उस समय तब के ग्रंथकारों ने गुर्जर शब्द पर क्या कुछ कहा है कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है, कहा है। मैं उसका उदाहरण भी पीछे दे चुका हूं, पर क्योंकि आप लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, 2 मिनट में जज बन के सबको अपना कमेंट देकर निकलना होता है, तो आप जानकारी लेते नहीं, और इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। पर क्योंकि विषय आ गया है, तो मैं फिर से वो उदाहरण दोहरा देता हूँ, दूसरे तरीके वाला, होपिंग दैट दिस टाइम इट विल गेट थ्रू। जी, तो पृथ्वीराज चौहान के समय से थोड़ा पहले गुर्जर देश से एक विख्यात जैन आचार्य हेमचंद्र ने द्वयाश्रय महाकाव्य नाम का ग्रंथ लिखा। ठीक, पृथ्वीराज के कुछ दशकों बाद ही, फ्यू डेकेड्स लेटर, गुर्जर देश के वहां से एक और जैन विद्वान हुए, अभय तिलक गणि। उन्होंने द्वयाश्रय महाकाव्य पर एक टीका लिखी, यानी कमेंट्री। ओके, उस टीका में अभय तिलक गणि गुर्जराणाम शब्द की व्याख्या करते हैं। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड गुर्जराणाम, सो ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द मीनिंग। उसकी व्याख्या आपकी स्क्रीन पर है सामने। अब गुर्जराणाम जो है, ये बहुवचन का शब्द है, प्लूरल। ठीक, यानी गुर्जरों की बात हुई है, तो गुर्जरों यानी गुर्जराणाम का अर्थ अभय तिलक गणी बताते हैं, गुर्जर देशोद्भव नृणाम। अब गुर्जर देशोद्भव का अर्थ होता है गुर्जर देश में उद्भव हुआ, पैदा हुआ, गुर्जर देश से आने वाला, उसको बिलोंग करने वाला, उसका नेटिव रेजिडेंट। नृणाम का अर्थ होता है प्लूरल में, बहुवचन में, आदमियों या लोगों को कहा है, मेन, पीपल। यानी गुर्जर कौन हुए, गुर्जर देश में पैदा हुए लोग, जो ऑब्वियसली बहुत प्रकार के वंश, जाति, जनजाति के होंगे, राइट? तो गुर्जराणाम, गुर्जर देशोद्भव नृणाम, दिस वॉज रिटन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 13th century AD वाइल कमेंटिंग ऑन अ टेक्स्ट ऑफ 12th century AD। अब समझदार व्यक्ति के लिए इतना पर्याप्त होगा। आई मीन, आई पर्सनली फील दैट नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड आफ्टर दिस पीस ऑफ एविडेंस, बट सिंस वी हैव टू बी थॉरो, सो ये पूरी वीडियो सीरीज बन रही है, सारे साक्ष्य तर्क एक जगह करने के लिए। सो नाउ दैट वी आर डन विद दिस,
Let's proceed to other claims for today. Okay, so the claim is कि अरब यात्री सुलेमान ने मेहर भोज प्रतिहार के राज्य को गुर्जर राज राज कहा है और राजा को गुर्जर कहा है। तो ग्रंथ की ओर चलकर खुद पुष्टि कर लेते हैं। सुलेमान अल ताजर ने 9वीं सदी में भारत और चीन की यात्रा की थी, ठीक। उसका वृत्तांत लिखकर उन्होंने जो जिस ग्रंथ में उसे कंपाइल किया, इट वाज कॉल्ड अखबार अल सिंध सिन व अल हिंद, ठीक है। तो अब भारत के बारे में क्या लिखा वो मैंने स्क्रीन पर उसका एक भाग साझा किया है। एंड आई जस्ट गिव अ ब्रीफ हिंदी ट्रांसलेशन। सो इट सेज भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बलहरा है। बलहरा, ओके, आई कम टू दिस टाइटल लेटर। बलहरा मतलब राजाओं का राजा। और भारत के जो बाकी के राजा हैं अन्य राजाओं में है जाब और अल टका का राजा, अल जुर्स का राजा, गाब, रहमा और अंत में कामरून का राजा। एंड ऑफ ट्रांसलेशन। अब यहाँ बलहरा से अर्थ है वल्लभ राय, जो कि राष्ट्रकूट राजाओं की उपाधि होती थी। इट्स टिपिकल ऑफ दैट। एंड जाब जो है ये हिमाचल का छंब क्षेत्र है। अल तका कहा है टक देश को, जो कि प्राचीन पंजाब में था। अल जुर्ज है गुर्जर देश। रहमा कहा है गौड़ देश के राजा धर्मपाल को। और कामरून है असम का कामरूप क्षेत्र। सबसे पहली बात, किसी गुर्जर वंशी या गुर्जर जाति के राजा की बात सुलेमान ने नहीं की है। जब भी सुलेमान ने अलजुर्स शब्द का प्रयोग किया है उसने लिखा है अलजुर्स का राजा, ठीक वैसे ही जैसे उसने कामरूप का राजा, छंब का राजा वगैरह लिखा है। एज ऑलवेज अ ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन, ठीक है। अच्छा, ये वर्णन किस संदर्भ में आता है, एक बार उसका कॉन्टेक्स्ट आप लेट्स चेक इट आउट, राइट। तो ये जो जब अरब यात्रियों ने लिखा कि बलहरा के राज्य के आसपास, पहले तो उन्होंने टेरिटरी डिफाइन की कि राज्य की जो सीमा है कोंकण से लेकर जो समुद्र तट है वहाँ से लेकर चीन तक थी, ठीक है। और उसके ठीक बाद कहा कि इस राज्य के आसपास जो राजा हैं वो बलहरा से युद्ध करते रहते हैं। और तब उस कॉन्टेक्स्ट में फिर उन्होंने गुर्जर राज्य और अन्य कई राज्यों का वर्णन वहाँ पर होता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब पूरी तरह से भूगोल आधारित था, वंशों की बात नहीं की गई है। मतलब किस क्षेत्र के राज्य का नाम क्या था ये बताया गया है, ठीक है। और फिर सुलेमान के ही समय में एक और यात्री आए थे, इब्न खुरदात, उन्होंने भी ऐसी ही बातें लिखी। और उनके ग्रंथ का नाम देखिए, नाम है किताबुल मसालिक व अल मुमालिक, यानी सड़कों और देशों की पुस्तक। और इस यात्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि अल जुर्स जो है वो एक जीभ के आकार का है, ठीक है। लेट मी गो टू दैट, राइट। तो ये पूरी तरह से भौगोलिक संदर्भ में, ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, यानी गुर्जर देश का वर्णन हो रहा था, न कि किसी गुर्जर जाति का, ठीक। तो उस काल का जो कोई भी इतिहासकार जो स्टडी करता है उस एरा को, वो आपको ये बता देगा कि भारत में इन अरब यात्रियों का जो मुख्य उद्देश्य होता था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज ट्रैवल्स, वो था भूगोल और राजनीतिक स्थिति को समझना, क्योंकि ये इनके लिए नए एरियाज थे उस समय। और किसी भी नए क्षेत्र में यही वो चीज़ें हैं जो आप सबसे पहले देखते हैं, कौन राजा है, जगह का नाम क्या है, भूगोल कैसा है, मौसम कैसा है। और ये जो सोशियोलॉजिकल और एथनोलॉजिकल डायमेंशंस होती हैं, कौन सी जात जनजात, क्या डिविजन्स, क्या सोफिस्टिकेशन, क्या क्लास सिस्टम, इन सब पर विस्तृत अध्ययन बाद में हुए हैं। ये तुर्कों के समय 11th सेंचुरी AD में
जब अल बेरूनी की यात्रा हुई थी, वहाँ से इस अप्रोच का एक स्टार्ट हमें दिखता है, क्योंकि तब तक भारत का जितना भी भूगोल और राजनीति है वो अच्छे से समझी जा चुकी थी। सो देन वी मूव ऑन टू दी सोशियोलॉजिकल एंड एथनोलॉजिकल डायमेंशंस। ओके, आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अल मसूदी ने भी इसी प्रकार से गुर्जरों की बात की है। इट्स अनदर रिडिकुलस एंड रिडंडेंट क्लेम। तो देखिए, एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं होगा, उत्तर वही है। अल मसूदी ने भारत यात्रा सुलेमान और खुरदादबी के कुछ ही सालों बाद में की है, और उन्हीं के जैसी जानकारी अल मसूदी ने भी दी है। अल बेरूनी ने भी किसी गुर्जर एंसिस्ट्री या ट्राइब की बात नहीं की है। ओके, सो दैट इज सॉर्टेड। हाँ, राइट, फेवरेट ऑफ मैनी। तो ये है अगला दावा कि पृथ्वीराज रासो सोमेश्वर चौहान को गुज्जर नरेश कहता है, और क्योंकि पिता को गुर्जर कह दिया तो पुत्र यानी पृथ्वीराज चौहान भी गुर्जर हो गए, ऐसा दावा है। ठीक है, अब आप सुनिए, खुद सुनिए, देखिए आचार्य जी। पुस्तक है चंद्रप्रदाई के पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में भी सोमेश्वर चौहान को कहा सोमेश शूर गुर्जर नरेश। वहां कहा कि सोमेश्वर शूर हैं यानी कि शूरवीर हैं और वो गुर्जर नरेश। ऑलराइट, तो अब इस मजेदार दावे के लिए साक्षी के नाम पर जो लाइंस दी जाती हैं वो आपके सामने है। ठीक है, दिस इज द टेक्सचुअल बेसिस फॉर व्हाट वाज जस्ट स्पाउटेड। अब जरा तथ्य जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो पृथ्वीराज रासो है, ये जो छंद यहाँ बताए गए हैं, ये पृथ्वीराज रासो के वृहद संस्करण की आप देखें तो कई अलग अलग कॉपीज हैं, उनमें से एक कॉपी से ये छंद लिए गए हैं, आदिपर्व के हैं। आदिपर्व बीइंग द फर्स्ट चैप्टर इन दैट कॉपी। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट्स एंड हिस्टोरियंस, वृहद संस्करण यानी लार्ज रिसेंशन जो है रासो का, उसकी प्रतियां एंड ऑफ 17th सेंचुरी से लेकर स्टार्ट ऑफ 18th सेंचुरी तक में लिखी गई हैं, यानी औरंगजेब के मरने से कुछ साल पहले और पृथ्वीराज चौहान की वीरगति के 500 साल बाद। ओके, तो 12वीं सदी की घटनाओं के लिए या 12वीं सदी के किसी व्यक्ति के ओरिजिन के लिए ये 18वीं सदी का ग्रंथ उपयोगी है कि नहीं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब समझदार हैं। बट एनीवे, अब मुद्दा उठ गया तो लाइंस पर ही आ जाते हैं। सो ये जो हाइलाइटेड लाइंस हैं, द वन अबव, इट रीड्स एज सोमेश सूर गुज्जर नरेश मालवी राज सब खग खेस मारु भजाई भट्टी नथान घल भो मिलही बल चाहुआन। अब इन पंक्तियों में कवि ने सोमेश्वर चौहान का एक एक दिग्विजय का दौर दिखाने का प्रयास किया है, यानी कि सोमेश्वर की जो तलवार है जिसके लिए खग शब्द प्रयोग हुआ है, तो उस तलवार के आगे मालवा का राजा, गुर्जर देश का नरेश, भाटी आदि सभी परास्त हो गए, और फिर दिल्लीपति जो तोमर हैं उनके घर सोमेश्वर का विवाह हुआ। नीचे देखें तो दिल्ले से ब्याह तोमर घरेश तिहग्रभ भयो पीथल नरेश, दैट्स द नेक्स्ट लाइन। तो इस तरह से चारों तरफ सोमेश्वर का प्रभुत्व दर्शाया गया है। मालवा टू हिज साउथ ईस्ट, गुर्जर टू हिज साउथ वेस्ट, भाटी टू हिज वेस्ट एंड देन दिल्ली टू हिज नॉर्थ ईस्ट। सो विक्टोरियस एंड इन्फ्लुएंशियल एवरीवेयर। ठीक है, दिस इज अ रिपीटिंग थीम फॉर ऑल किंग्स टू ग्लोरीफाई। नाउ गुज्जर नरेश जो शब्द है, इनका उपयोग सोमेश्वर के लिए नहीं बल्कि सोलंकी शासक भीम देव के लिए हुआ है, जो कि उस समय गुर्जर देश का राजा था। अच्छा, इसकी पुष्टि आपको ठीक नीचे दिए कवित्व में हो जाती है, जहां सोमेश्वर की शूरता का वर्णन है। सो इफ इफ यू सी बिलो, जो नीचे की तरफ जो हाईलाइट है, यहाँ सोमेश्वर के बारे में लिखा है कि
फर्स्ट लाइन से कि उन्होंने खुरासानी जो सेना थी उसको हरा दिया, सूर जित्ते खुरासानी। ओके, खुरासान वाज इट वाज मोस्टली ईरान पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, वो जो बेल्ट था उसको खुरासान कहते थे। अच्छा, फिर उसके ठीक बाद में सोमेश्वर ने लिखा है कि गुर्जर भूमि पर चढ़ाई करके उसको छिन्न भिन्न कर दिया, चढ़ी भी गुज्जर धर भानी। ठीक, नाउ द हाइलाइटेड पार्ट, इट सेज अब गुज्जर धर भानी, गुज्जर धर जो है ये गुर्जर लैंड है, गुर्जर देश, नो प्रॉब्लम देयर। भानी इज डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब सोमेश्वर को शुरू से गुज्जर नरेश मान लें, तो मुझे बताइए कैसा गुज्जर नरेश है जो स्वयं अपनी ही धरा को, गुज्जर धर को छिन्न भिन्न करता है, चढ़े हुए गुज्जर धर भानी। दैट्स नॉट पॉसिबल। गुज्जर नरेश या तो भीमदेव सोलंकी को कहा है, या फिर द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज कि गुर्जर धरा को छिन्न भिन्न करने और जीतने के कारण उसके बाद जाकर ही सोमेश्वर को गुर्जर नरेश की उपाधि दी गई है, एज अ कॉन्करर ऑफ गुर्जर लैंड लेटर ऑन एट सम पॉइंट इन टाइम। सो दोज आर दी ओनली टू पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव। ठीक है, तो पंक्तियों का अर्थ क्या है मैंने आपको बता दिया। और वैसे भी देखिए, ये चीज़ों को आइसोलेशन में देखने का जो तरीका है ना, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। आप पूरा रासो का अगर नैरेटिव चेक करें सारे रेसेंशंस में, तो बाकी जगहों पर भी यही पैटर्न आता है कि सोमेश्वर का सोलंकियों से, सोमेश्वर चौहान का अच्छा खासा टकराव था, कई लड़ाइयाँ भी हुई एंड ऑल दैट, देयर वाज प्लेंटी ऑफ बैड ब्लड। तो रासो में सब जगह सोलंकियों को गुज्जर नरेश कहा गया है, एंड एंड विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ दैट सून। ठीक है, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज दैट एज आई सेड बिफोर, जो वृहत संस्करण है फ्रॉम वेयर दिस सिली क्लेम वॉज मेड, उसकी केवल यही एक कॉपी नहीं है। ठीक है, इसमें दो तरह की प्रतियां मिलती है वृहत संस्करण में। एक को श्री विष्णुलाल पांड्या जी ने और श्याम सुंदर दास जी ने एडिट किया था, ठीक है, द वन विच वॉज पब्लिश्ड बाय नागरी प्रचारिणी सभा, जिससे ये लाइन्स उठाकर दावा किया गया है। अच्छा, दूसरी प्रति जो है ये मेवाड़ से कविराव मोहन सिंह जी ने एडिट की थी। फिर मोहन सिंह जी वाली जो प्रति है रासो की, बृहत संस्करण की, उसमें ये सोमेश्वर और गुज्जर नरेश वाली लाइंस नहीं मिलती। तो बृहत संस्करण की भी केवल एक प्रति में ऐसा उल्लेख है। एंड लाइक आई सेड, इवन इफ यू फॉरगेट द रियल मीनिंग ऑफ दीज लाइंस विच वी जस्ट वेंट थ्रू, जो भी मीनिंग है, दीज लाइन्स वर एनी वे रिटन मोर देन 500 ईयर्स आफ्टर सोमेश्वर चौहान। दैट्स इनफ टू सम अप द वैल्यू ऑफ दीज लाइन्स ऑन चौहान ओरिजिन। ओके, तो ये हुई रासो के बृहत संस्करण की बात। अब दूसरा पॉइंट, रासो के बृहत के अलावा तीन और संस्करण हैं कैटेगराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ द साइज एंड लैंग्वेज पैटर्न्स एंड ऑल। तो वो है लघुतम संस्करण, द स्मॉलेस्ट रिसेंशन, लघु संस्करण, स्मॉल रिसेंशन, और मध्यम संस्करण यानी मीडियम रिसेंशन। अब जितने भी विद्वानों ने गहन अध्ययन किया, रिसर्च की रासों पे, ये जो तीनों संस्करण जो है इनको वृहत संस्करण यानी लार्ज रिसेंशन की तुलना में कम गलतियों वाला, कम मिथकों वाला माना है। और ये भी कि ये जो बाकी की तीनों संस्करण है ये लार्ज रिसेंशन से पहले आए हैं। ठीक है, लेट मी रिपीट, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉल एंड मीडियम रिसेंशंस हैव लेसर फिक्शन एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी ओल्डर देन दिस लार्जेस्ट रिसेंशन कॉपी बेस्ड ऑन विच दीज सिली क्लेम्स वर बीइंग मेड। और बाकी के इन तीनों ही संस्करणों में ये गुज्जर नरेश वाला छंद नहीं पाया जाता। अब ये क्लेम रिडिकुलस नहीं हो जाता? अच्छा, रासो के जो लेखक थे उन्हें पता था कि गुर्जर नरेश कौन है कौन नहीं है, क्योंकि लघु संस्करण में, एक स्मॉल रिसेंशन में, सोमेश्वर चौहान के सामने जो सोलंकी राजा बताए गए हैं उसी का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ स्क्रीन पर, इफ यू, इट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड,
उसके जो शब्द हैं, तो भीमदेव के लिए यहाँ पर शब्द आते हैं चालुक्य राय गुज्जरपति, द मैन हु वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट सोमेश्वर चौहान। ऑब्वियसली चालुक्य जो है, इन दिस केस इट इज एन अपभ्रंश ऑफ चौलुक्य और सोलंकी। ओके, तो चालुक्य से तो भीमदेव का वंश बता दिया, ठीक है। और गुज्जरपति जो है, गुज्जरपति शब्द से उनका जो राज्य है, जो उनकी श्री है और जो भौगोलिक क्षेत्र है वो दर्शाया गया है, ठीक है। तो राजाओं की उपाधियों में पीछे जो पति शब्द लगता है उससे फिर पूरे शब्द का कैसा अर्थ बनता है, ये हम पहले एक एपिसोड में देख चुके हैं। और ये भी कि क्यों राजाओं की उपाधियां जो थी उनके लिए किसी जाति के नाम के आगे पति ईश्वर जैसे शब्द इतिहास में कभी भी नहीं लगाए गए। तो पूरे रासों में सोलंकी राजाओं के लिए ऐसे उल्लेख बहुत जगह मिल जाते हैं, सोमेश्वर के लिए या पृथ्वीराज चौहान के लिए ये प्रयोग नहीं हुए रासों में, कैटेगोरिकली नॉट देयर। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान की जाति राजपूत सिद्ध होती है। ओके, लेट्स मूव देयर। रासो बृहत संस्करण में जो महोबा समय नाम का एक अध्याय आता है, उसमें जब चंदेलों और चौहानों के एक युद्ध का प्रसंग आता है, तो राजा परमार्दन चंदेल, उनके सेनापति थे उदल बनाफर, उदल बनाफर से लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान की ओर से, उनके ही वंश के एक योद्धा थे कनक चौहान उनकी, ठीक है। तो कनक चौहान को आप ये छंद देखें तो उसमें राजपूत बताया गया है। तो रासो सेज, उतय कनक चहुआन रजपूत धायो, बरम वीर उदल पै कूदि आयो, कियो युद्ध चहुआन रजपूत चायो। नाउ आई हैव प्रोवाइडेड द कॉन्टेक्स्ट एंड जस्ट जस्ट गिवन द लाइन्स वेयर द वर्ड इज मेंशन, बट या यू आर मोस्ट वेलकम टू पर्सनली वेरीफाई विद फुल रीडिंग इन द रासो। नाउ मूविंग ऑन। तो चौहान चंदेल युद्ध जब भड़का, उससे पहले का बैकग्राउंड अगर बताऊं तो कुछ घायल चौहान सैनिक थे, एक कमिंग बैक फ्रॉम अ कैंपेन, वो रास्ता भटक के गलती से चंदेल राज्य में एंटर हो गए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने अनजाने में जो रॉयल गार्डन था वहाँ, उसमें आके अपना कैंप डाल लिया। फिर वहीं पे किसी बात पे कोई झगड़ा शुरू हुआ, विच आई विल नॉट गेट इन टू, इट्स नॉट रेलिवेंट हियर। तो वो बात बढ़ते बढ़ते फिर दोनों पक्षों में बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। तो उस समय परमार्दिन चंदेल के जो सेनापति थे ऊदल बनाफर, उन्होंने प्रयास किए कि ये युद्ध ना हो, चंदेलों और चौहानों के बीच ये युद्ध ना हो। तो अकॉर्डिंग टू रासो, ऊदल बनाफर राजा परमार्दिन चंदेल से रिक्वेस्ट करते हैं, एंड एंड दैट्स एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, कि ये लोग रास्ता भटके हुए चौहान सैनिक हैं, लड़ाई के लिए ये यहाँ नहीं आए, सो दूत समान है, इन्हें मारना नहीं चाहिए, ठीक है। सो हिज एग्जैक्ट वर्ड्स इन आस्किंग फॉर पार्डनिंग दोज चौहान सोल्जर्स आर, इफ यू लुक एट द लास्ट टू लाइंस, आई विल जस्ट टेक दोज, चंदेल राय मानहु अरज अरथ सरे सोई कीजिए, रजपूत दूत हनिये नहीं जीव दान नृप कीजिए, ठीक। सो यहाँ चौहान सैनिकों को राजपूत कह दिया, ठीक। अब रासो का जो अध्ययन करने वाले विद्वान थे, जो मैंने अभी कहा था, उन्होंने जो लघु संस्करण है स्मॉल रिसेंशन, उसको पहले लिखा तो बताया ही है, ऑब्वियसली वी कवर्ड दैट। साथ में जो चारों रिसेंशंस हैं उनमें सबसे ठीक ठाक हिस्टोरिकली इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड ऑल, वो सबसे ठीक ठाक उन्होंने स्मॉल रिसेंशन को कहा है, ठीक है, कि इसमें सबसे कम प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अगला साक्ष्य जो है मैं उसी से दूंगा, लघु संस्करण से। अच्छा, अब लघु संस्करण रासो में जो 9th चैप्टर आता है, वहां पे पृथ्वीराज को संयोगिता प्रकरण में कन्नौज में दिखाया गया, ठीक है। तो पृथ्वीराज के जो सबसे नजदीक के, सबसे निकट के उनके मित्र थे सामंत मंत्री और बाकी के अच्छे से वॉरियर्स जो थे उनके चुने हुए, वो सब भी उनके साथ कन्नौज गए हुए थे। There's a few hundred of them, ठीक।
अब एक दिन कन्नौज नरेश जयचंद जब अपनी सभा में, एक दिन वो पृथ्वीराज को, हु वॉज इन डिसगाइज इन इन हिज कोर्ट, पर वो एक दिन पृथ्वीराज को पहचान जाते हैं जयचंद। और फिर जयचंद अपने सैनिकों से आज्ञा देते हैं कि आक्रमण करके चौहान राजा को बंदी बनाया जाए। तो पृथ्वीराज के साथ वहाँ कन्नौज जो लोग आए थे वो साथी उनके पीछे घेरा बना के खड़े हो जाते हैं, एंड दे से कि इस चुनौती के लिए तो हम 100 राजपूत ही पर्याप्त हैं। तो उस वो जो इंसिडेंट है, वो जो मोमेंट है, उसको एक कवित्व में रासो के कवि ने बांधा है। एंड ही सेज, इतनो कहत भूपति चढ़्यो, सुन नीरद कीनो न भव, सावत सूर हसी पर परस पर, कह ही भले रजपूत सो। एंड द सेम इज रिटन इन मीडियम रिसेंशन ऑफ रासो, जो श्री माता प्रसाद गुप्त ने एडिट किया था। दैट्स ऑन योर राइट साइड। ठीक है, तो अब स्वाभाविक सी बात है, ये जो 100 राजपूत योद्धा हैं हु आर रेडी फॉर द चैलेंज की, ठीक है हम देख लेंगे जो भी होगा, इनमें चौहान भी रहे होंगे ऑब्वियसली, राइट, और ये आगे सिद्ध भी हो जाएगा। फिर सभा से निकल के पृथ्वीराज जब अपने साथियों से बात करते हैं, तो कन्नौज की सेना से युद्ध की संभावना है, और पृथ्वीराज और उनके चाचा, जिनका नाम बताया गया है यहाँ कान्ह चौहान, इनका कन्वर्सेशन आता है रासो में। सो इफ यू लुक बिलो दिस, एट बॉटम ऑफ द स्क्रीन, कान्ह चौहान कुछ कह रहे हैं कि सो ही सेज कि हम 100 राजपूत हैं और केवल एक युवती की रक्षा करनी है, एक युवती बीइंग संयोगिता। अगर हम 100 की जगह एक भी होते तो संकल्प वही रहेगा। सो जो शब्द है रासो में वो है, जुसौ भृत मज्झि एक भृत होई, सो नृप युवती मुक्की न कोई। मुक्की मीन्स टू लीव और रिलीज। हम 100 रजपूत सा सुंदरी एक। एंड एज यू कैन सी ऑन द राइट, वैसे ही पंक्तियां आपको ये दूसरे संस्करण में भी मिल जाती हैं। ठीक, अब इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं रासों में, अगर इफ आई वुड यू नो एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, सो आई विल नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ देम। पर जो हमने देखा उससे रासों की ओर से तो कोई संदेह का स्थान नहीं रह जाता कि पृथ्वीराज की वंशोत्पत्ति और जाति के बारे में रासों का क्या मत है। पर एक प्रश्न उठ सकता है कि सीधा उल्लेख पृथ्वीराज का नाम लेकर क्यों नहीं कर दिया रासो में कि पृथ्वीराज की जाति फला फला है। देखिए, लाइक आई सेड बिफोर इन अ प्रीवियस एपिसोड, राजाओं की जाति इस देश में ना कभी पूछी गई ना बताई गई, ऐसा चलन ही नहीं था। राजा पूरे राज्य का सर्वे सर्वा होता है, राज्य की पूरी प्रजा का पालक और प्रतिनिधि होता है। इसलिए राजा को इन सब चीजों से ऊपर रखा गया है। कोई नहीं लगता था राजपूत पति सो एंड सो, जाटेश्वर सो एंड सो, नो बडी यूज टू राइट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता था। पर कुछ लोगों ने वो एक अफीम चाट रखी है कि हम तो इतिहास के महापुरुषों की जात बदलकर, उनकी गलत जात बताकर ही हमें संतुष्टि मिलेगी। सो क्या कर सकते हैं। एनीवेज, अब अगला जो क्लेम है, रासों के ही कुछ और छंदों को एक्सप्लॉइट किया जाता है एक भ्रांति फैलाने के लिए। तो ये जो आपको लाइंस आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनमें 2 शब्द हैं, एक है पड़गुजर और एक और गुजर शब्द है। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर दावा होता है कि ये पृथ्वीराज को जाति से गुजर बताते हैं। अब इन पंक्तियों में भी पृथ्वीराज को गुजर नहीं कहा गया, इनका अर्थ केवल इतना है कि पृथ्वीराज के अधीन एक बड़गुजर सामंत थे। बड़गुजर बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ प्रतिहार्स। ओके, तो ये जो बड़गुजर सामंत थे ये लगातार मुस्लिम सेनाओं के हमले झेल रहे थे। ओके, और दबाव बढ़ते देखकर फिर इन्होंने सहायता मांगने के लिए अपने दूत पृथ्वीराज को भेजे थे। अब पृथ्वीराज ने बिल्कुल मदद की, उस मुस्लिम सेना को ध्वस्त किया, उसके लीडर को मारा, जिससे वो जो सामंत थे वो फिर से निश्चिंत होकर रहने लगे। दैट्स व्हाट दीज लाइन्स मीन। ठीक है, सो ये भी सॉर्ट आउट हुआ। अब अंत में ये रासों के जो स्मॉल रिसेंशन से भौगोलिक क्षेत्रों की एक सूची है, अ लिस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन्स।
जहाँ पर जो कवि चंद थे उन्होंने, मतलब कन्नौज के जो महाराजा जयचंद थे, उन्होंने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की उसका वो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। ही हैज मेंशनड अ लॉट ऑफ प्लेसेस, जैसे कर्नाट है, मिथिला है, कोंकण है, अंग देश है, फिर गुज्जरी धर, ऑब्वियसली गुर्जर देश, गुड देश दैट्स फॉर गॉड देश, द अनडिवाइडेड बंगाल रीजन, मगध है, फिर गोपाचल है, दैट्स ग्वालियर रीजन, एंड आई थिंक या दैट्स दैट कवर्स मोस्ट ऑफ इट। या सो रासों का भी जो हमें थीम दिखता है वो यही है, इन अकॉर्डेंस विद द मिडिवल हिस्ट्री पैटर्न्स एंड नॉर्म्स, ज्योग्राफिक कॉनोटेशंस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ रासों के आधार पर एक और दावा ये किया गया कि पृथ्वीराज रासों में क्षत्रियों के 36 कुलों की सूची आती है, उसमें पड़िहार और प्रतिहार ये दोनों शब्द अलग अलग आए हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग वंश हुए, और कोई परिहार ये कहे कि प्रतिहार परिहार एक ही बात है और मैं प्रतिहारों का या मिहिरभोज का वंशज हूँ, तो वो गलत है, ये दावा किया गया है। ठीक, चलिए रासों पर बाद में आएंगे, मैं पहले एक एक बार परिहार और प्रतिहार इन दोनों शब्दों पर बात कर लेता हूँ ब्रीफली। सबसे पहले तो एक एविडेंस को रिविजिट करेंगे टू 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 रिफ्रेश योर मेमोरी। 861 AD इंस्क्रिप्शन फ्रॉम घटियाला नियर जोधपुर। अब व्हाट शोज हियर इज द वर्स नंबर 3 फ्रॉम सेकंड प्लेट ऑफ दैट इंस्क्रिप्शन। सो द लोकल रूलर हु हैड दिस इंस्क्रिप्शन इश्यूड इज नेम्ड इन द वर्स, इफ यू नोटिस, एज कक्कुक प्रतिहार। ओके, हो गया। नाउ चेक दिस आउट, ओवर टू योर राइट। वहीं से घटियाल से उसी डेट का, उसी शासक कक्कुक प्रतिहार का वैसी ही बातें लिखा हुआ एक और शिलालेख मिलता है। भाषा इस बार संस्कृत की जगह प्राकृत है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि मतलब एक ही शिलालेख के दो वर्जन्स हैं, इन अ वे यू कैन से दैट। तो प्राकृत वाले शिलालेख में कक्कुक को किस वंश का बताया गया है? शब्द देखिए, ऑन योर राइट साइड पड़िहार, ठीक है, फॉर द सेम गाय एट द सेम टाइम सेम प्लेस। नाउ इफ यू कंपेयर दीज इंस्क्रिप्शंस, तो अब जब वंश के रूप में देखिए, अगर प्रतिहार शब्द हमें 7वीं सदी से आता दिख रहा है लगातार, और प्रतिहार 7वीं से पड़िहार शब्द हमें 9वीं सदी से दिख रहा है एटलीस्ट, तो जब 9वीं सदी से कक्कुक प्रतिहार का प्राकृत में लिखा गया घटियाला शिलालेख उनके वंश के लिए पड़िहार लिख रहा है, और वहीं से उन्हीं का उसी समय का संस्कृत शिलालेख उनको प्रतिहार लिख रहा है, तो 800 साल बाद पृथ्वीराज रासो के 17th-18th century में लिखे एक संस्करण की किसी लाइन से क्या हम ये मान बैठे कि प्रतिहार और पड़िहार दो अलग वंश है? मतलब इतिहास के साथ ऐसी ज्यादती मुझसे तो नहीं हो सकती। आई कांट अग्री टू दिस। और उस पे अगर आप ये जोड़ देंगे कि ये जो दावा है ये रासो के एक रिसेंशन की एक कॉपी से उठा के किया गया है, विच वॉज एडिटेड बाय विष्णुलाल पांड्या, तो जहाँ तक ग्रंथ के रूप में रासो का प्रश्न है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रासो के कितने वर्जन्स हैं, कितने रिसेंशंस हैं, और ये जो 36 कॉम की जो सूची है ना, तो कविराव मोहन सिंह के वृहत संस्करण में है, ना ही ये स्मॉल मीडियम और स्मॉलेस्ट रिसेंशन में दिखती है ये सूची 36 कॉम की। तो अब इन तथ्यों को सबको कंसिडर करें, तो ये प्रतिहार परिहार अलग थे ऐसे ऐसे बचकाने से दावे करना, ये अपनी जगह साई कराने के अलावा और कुछ नहीं है। ओके, लेट्स क्विकली टेक डाउन वन मोर। द क्लेम इज हम्मीर महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान को गुर्जर लिखा है। द
image which is on your screen, this is the one used to claim that Prithviraj's brother Hariraj Chauhan has been called a Gurjar in a text called Hammir Mahakavya. Okay, so main aapko Hammir Mahakavya ke usi adhyay pe leke chalta hu jahan se ye shlok uthaye gaye the. Right, ab yahan hum aaram se pura padh ke samjhenge to shlok ka jo vastavik arth hai वो ये है कि जब हरिराज चौहान अजमेर में राजा बने पृथ्वीराज चौहान के बाद, तो उनसे मित्रता बढ़ाने के लिए, दोस्ती नज़दीकी बढ़ाने के लिए प्रीतिवत इति वृद्ध्यर्थ, दोज आर द वर्ड्स, सी दी फोर्थ लाइन. या तो मैत्री बढ़ाने के लिए गुर्जर नरेश ने कुछ सुंदर नर्तकियां उनके यहाँ एज अ गिफ्ट उपहार स्वरूप भेजी. प्रयाशा मास नर्तकी, ठीक, सिक्स लाइन. तो गुर्जर नरेश कौन है? नर्तकी भेजने वाले पाटन के राजा भीमदेव सोलंकी. दाई ओर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन दिख रहा है जो कि श्री नीलकंठ जनार्दन कीर्तने का है. अब ये कौन है? ही वॉज अ वेल नोन हिस्टोरियन संस्कृत स्कॉलर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड पब्लिशिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हम्मीर महाकाव्य. So one of the most credible authorities when it comes to Hammir Mahakavya. तो इतने से हमें स्पष्ट हो गया कि गुर्जर नरेश, ये जो कहा गया है यहाँ पर हम्मीर महाकाव्य में, ये हरिराज चौहान को नहीं बल्कि भीमदेव सोलंकी को कहा गया है, which is obvious because भीमदेव सोलंकी was ruling गुर्जर देश at that time. तो ये था सीरीज का सातवां भाग. अब अगला भाग आने तक के लिए अनुमति दें और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. प्रणाम.